हेलो फ्रेंड्स, ट्रांजेक्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं नरेंद्र आप लोगों के लिए लिख रहा हूं और एक खास खबर जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के नवाब साहब यानी कि भैया सैफ अली खान की फिल्म जवानी जाने मन के बॉक्स ऑफिस के रिपोर्ट से। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि जवानी जाने मन को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 10 दिन हो चुके हैं और इस फिल्म ने 10 दिनों में जो कलेक्शन किया है उसको देखने के बाद तो भैया सवाल खड़े होने लग गए हैं कि क्या ये फिल्म अपना बजट निकाल पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से इस फिल्म को दूसरे वीकेंड में कलेक्शन मिला है बॉक्स ऑफिस पर वो बहुत ही दयनीय है। यानी कि भैया इस फिल्म ने पहले दिन यानी कि फ्राइडे को जो कलेक्शन किया था तो वो था 1,04,00,000 रुपए का। उसके बाद सैटरडे को जो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया तो वो था 1,58,00,000 रुपए का। और उसके बाद में अंत में यानी कि कल संडे को जो इस फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है तो वो है 1,67,00,000 रुपए। यानी कि कुल मिलाकर अब तक इस फिल्म में जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है तो वो है 24,50,00,000 रुपए। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है ये फिल्म अपने दूसरे वीक में 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी, और आपको क्या लगता है इस फिल्म को 50 के आंकड़े को क्रॉस करने में कितने महीने लग सकते हैं, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।